रायगढ़ मुस्लिम समाज के युवकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया है। उन्होंने ज्ञापन में राष्ट्रीय एकता को भंग करने का आरोप लगाते हुए महंत नरसिन्हा नंद की गिरफ्तारी व फांसी की मांग की है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के महंत नरसिन्हा नंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के धर्म गुरु पैगम्बर मोहम्मद के संबंध में अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। रायगढ़ मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को एक ज्ञापन दिया गया है। अपने ज्ञापन में उन्होंने राष्ट्रीय एकता को भंग करने का आरोप लगाते हुए महंत नरसिन्हा नंद की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की है। मुस्लिम समुदाय ने बताया कि उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के महंत नरसिन्हा नंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम समाज के धर्म गुरु पैगम्बर मोहम्मद के संबंध में अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावना को गहरा आघात पहुँचा है। समाज के लोगों का यह भी आरोप है कि महंत नरसिन्हा नंद द्वारा मुस्लिम समाज के खिलाफ कहते हुए सार्वजनिक तौर पर भड़काऊ बयानबाजी की जाती रही है, जिसकी वजह से समाज विशेष की धार्मिक भावना आहत होती है। साथ ही ऐसे बयानबाजी से धार्मिक सहोदरता पर भी असर होता है। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। किसी धर्म विशेष के खिलाफ बयानबाजी से माहौल खराब होता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अपनी मांग लेकर मुस्लिम समुदाय के युवा पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें भी आवेदन देने की बात कही है। कलेक्ट्रेट में एसडीएम युगल किशोर उर्वशा ने मुस्लिम समाज का ज्ञापन लिए हैं, जिसे आगे प्रेषित किया जाएगा। देखिए, हम समस्त रायगढ़ मुस्लिम समाज की तरफ से हैं और ये पूरे देश को ज्ञात है कि किस तरह एक खुद को महंत कहने वाले दुर्दांत आतंकी, जिनका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती है, ज्ञात हो कि इनके काले कारनामे बहुत पहले से चले आ रहे हैं। 2005 में इनके ऊपर रेप का आरोप था, जिसमें वो बरी हुए। पिछले साल 2020 में दिल्ली का दंगा भड़काया था इन्होंने अपने भड़काऊ भाषण से, और अभी हाल ही के दिनों में बात है, मंदिर में एक छोटे बच्चे को जहाँ पे पानी पीने के लिए सिर्फ उसके मुसलमान होने की वजह से मार के बाहर निकाला गया था। ये उस मंदिर के महंत हैं और इन्होंने उसके बाद एक बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो इनकी काली करतूतें देश का माहौल बिगाड़ने के लिए चली आ रही हैं, और दुख इस बात का है कि सिर्फ ये यहाँ तक नहीं रुके, इसके साथ ही इन्होंने 2 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जहाँ पे तमाम देशव्यापी न्यूज़ चैनल हैं, जो नेशनल न्यूज़ चैनल हैं, उनको बुलाकर इन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हमारे पैगंबर इस्लाम के बारे में अपमान सूचक शब्द कहे हैं। वो शब्द जो जिस पैगंबर ने हमको सिखाया है इस्लाम धर्म में, कि दूसरे किसी भी धर्म के जो भी मुइज़ इंसान है या जो भी आदर सूचक, जैसे कि लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा है फॉर एग्जांपल इन हिंदुइज्म, राइट, तो ऐसे किसी भी धर्म के लोगों के बारे में आपको अपनी ज़बान रोकनी है, आपको उनको बुरा भला नहीं कहना है। और इनकी हिमाकत देखिए कि ये देश के न्यूज़ चैनल में जहाँ गंगा जमनी तहजीब है, वहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं कि हम मुसलमानों का नाम मिटा देंगे और हमारे पैगंबर को गाली दे रहे हैं और इस्लाम के ऊपर तरह तरह की झूठी और गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ कर रहे हैं। तो इसके और इसके आधार पर इनके ऊपर FIR हो चुकी है, लेकिन ये योगी राज है, आप सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने एक हिंदू एक्सट्रीज़म को बढ़ावा दिया है, किस तरह मुसलमान विरोधी दंगे होते आए हैं यूपी में, और यही वजह है कि इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। हमारी मांग ये है कि देखिए, भारत एक दारुल इस्लाम कंट्री है। इस्लाम के इतिहास में देखा जाए तो दो तरह के कानून होते हैं, एक दारुल हरब और एक दारुल इस्लाम। दारुल हरब जहाँ पे इस्लाम के कानून लागू नहीं होते, और दारुल इस्लाम वो होता है जहाँ पे मुसलमानों को अपने धर्म के अनुसार नमाज पढ़ने और जो जो इबादतें हैं, जो जो पूजा पाठ करना है। जी जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पे। तो वहाँ पे उनको पूरी स्वतंत्रता है, हमारे नमाज पढ़ने पे किसी की कोई रोक नहीं है, बिकॉज भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 14 और 15 यही सिखाता है, यहाँ तक कि आर्टिकल 31 भी यही सिखाता है। तो हम तो भारत का संविधान मानते हैं, और भारत के संविधान में किसी भी धर्म के अगेंस्ट में उसको गाली देने का अधिकार नहीं है, जो कि नरसिम्हानंद बार बार भंग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके ऊपर 298 की धारा लागू होती है, यहाँ तक कि दंगा भड़काने के लिए 155 की धारा भी लागू होती है। तो हम तो भारत का संविधान का ही पालन कर रहे हैं, और भारत के संविधान के पालन करते हुए ही हम यहाँ पे आए हैं। नहीं तो आपने देखा होगा कि
पैगंबरे इस्लाम जिस तरह से आप हिंदुइज्म में आप लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्णा को जो आप जो उनका स्टेचर है, हमारा मांग ये है कि चूंकि इस्लाम आर्टिकल 14, 15, 31 के हिसाब से मुसलमानों का भी उतना ही देश है जितना कि और किसी का, तो हमको यहाँ पे अपनी अपनी संविधान के हिसाब से अपने धर्म का पालन करने की अनुमति है। और इस्लाम में जिस जिसने भी इस्लाम के इतिहास में जिस जिसने भी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो पैगंबरे इस्लाम है उनकी शान में गुस्ताखी की है तो उसकी सज़ा सज़ाए मौत है। तो हमारी मांग ये है कि नरसिम्हानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पैगंबर इस्लाम का नहीं बल्कि आप देख सकते हैं उनके ऊपर धारा 155, 258, 295, 8 एंड 298 ये सब कुछ लगती है। तो भारत का संविधान के हिसाब से पुलिस अब तक कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? हमारी ये मांग है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करके उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ये हमारी मांग है। मुस्लिम समाज के यूपी के द्वारा एक ज्ञापन दिया हुआ है और ज्ञापन को आज लिया गया है, ज्ञापन को उचित कार्यवाही के लिए संबंधित को भेज दी जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।